अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए कि रीजनरेशन ऑफ डैमेज ग्रोइंग ग्रास फॉलोइंग ग्राजिंग इज लार्जली ड्यू टू रीजनरेशन ऑफ डैमेज ग्रोइंग ग्रास फॉलोइंग ग्राजिंग इज लार्जली ड्यू टू कौन सी लेटर मेरिस्टेम एपिकल मेरिस्टेम इंटरग्लाइडल मेरिस्टेम सेकेंडरी मेरिस्टेम आप आंसर कीजिए कौन सा आंसर है। अगर आप कर पाएंगे तो बहुत ही वेरी वेरी गुड ठीक है कर पाएंगे आप कौन सा आंसर है। रीजनरेशन कौन करते हैं इंटरग्लाइडल मेरिस्टेम याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहां पर देखिए इंटरग्लाइडल मेरिस्टेम क्या करते हैं रीजनरेट करते हैं रिमूव पार्ट्स को जो हर्बीवोर्स ग्रास से रिमूव कर लेते हैं उनको रिजनरेट कौन करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम ठीक है। अब एक्सिलरी पार्ट क्या है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड इरोगेशन ऑफ स्टेम सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड द शूट एपिकल मेरिस्टेम कंस्टिट्यूट द एक्सिलरी पार्ट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड इरोगेशन ऑफ द स्टेम जितने जो स्टेम जितने आगे जाता है इलोगेट होता है ऊपर जाते रहता है तब उस समय जाते समय क्या करते हैं कुछ सेल्स पीछे छोड़ जाते हैं ठीक है। अब उन सेल को क्या कहा जाता है उन ग्रुप ऑफ सेल्स को एक्सिलरी बार्ड एक स्ट्रक्चर बन जाता है छोटा जिसको आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है एक्सिलरी बार्ड मॉर्फोलॉजी में बहुत ज्यादा पढ़ा है हमने। एक्सिलरी बार्ड का लोकेशन बताइए अभी कौन सा कहां पर रहते हैं एक्सिलरी बार्ड कहां पर एक्साइल में फॉर्मेशन ऑफ ब्रांच और ए फ्लावर क्या फॉर्मेशन ऑफ ब्रांच और ए फ्लावर फॉर्मेशन ऑफ ब्रांच और ए फ्लावर ठीक है। इन पॉइंट्स को आप नोट कीजिए पूरा देन देखिए कि जो प्राइमरी टिश्यू है एंड जो सेकेंडरी टिश्यू प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम अब ये 1 डिग्री इसको प्राइमरी कहा जाता है आपको पता है शायद 1 डिग्री अगर नहीं है तो यहाँ पर लिख लीजिए 1 डिग्री यानी प्राइमरी प्राइमरी एंड सेकेंड डिग्री यानी 2 डिग्री यानी सेकेंडरी ठीक है। अब प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम इन दोनों में क्या होता है सेल डिवीजन होता है क्या होता है दोनों में प्राइमरी मेरिस्टेम में भी सेल डिवीजन होता है एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम में भी सेल डिवीजन होता है। अब क्या होता है कि सेल डिवाइड करते रहते हैं क्या डिवीजन होता है ठीक है। अब डिवीजन होने क्या फॉर्मेशन करते हैं न्यू सेल क्या फॉर्मेशन करते हैं न्यू सेल्स ठीक है। ये सेकेंडरी मेरिस्टेम में भी क्या होता है डिवीजन होता है एंड न्यू सेल्स बनाते हैं ठीक है न्यू सेल्स। अब ये जो नए सेल बने हुए हैं वो क्या होते हैं आगे जाके उनमें चेंजेस होते रहते हैं देन वो आगे जाके डिफरेंशिएट होते रहते और होके आगे जाके कुछ सेल्स स्टोरेज के लिए काम करते हैं कुछ सेल फोटोसिंथेसिस के लिए स्पेशलाइज हो जाते हैं क्या करते हैं कुछ सेल्स फोटोसिंथेसिस और कुछ ऐसे सेल्स बनते हैं जो सपोर्ट की काम करते हैं क्या मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट अब सेकेंडरी मेरिस्टेम में डिवीजन होकर जो न्यू सेल्स बने हैं उनमें भी सेम होता रहता है चेंज होते रहते देन आगे जाके डिफरेंशिएट होते रहते ठीक है एंड डिफरेंशिएट होके कुछ सेल्स स्टोरेज के लिए स्पेशलाइज होते हैं सेम कुछ सेल्स फोटोसिंथेसिस करते हैं
और कुछ सेल्स क्या प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, अब ये जो स्पेशलाइज्ड सेल्स बने हैं उनमें नए सेल में नए सेल का डिफरेंशिएशन होके होके इन सारे अलग अलग सेल्स को सेल एक सेल में के अलग अलग टिश्यूज को मेजर करते हैं और उनको क्या कहा जाता है, परमानेंट टिश्यूज। क्या कहा जाता है, परमानेंट टिश्यूज। एंड परमानेंट टिश्यू ऑल ऑफ देम लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, ऑल ऑफ देम जितने भी सेल्स प्राइमरी मेरिस्टम से भी मेरिस्टम से बनते हैं या फिर सेकेंडरी मेरिस्टम से बनते हैं, सब में क्या होता है, वो सारे डिवाइड करने का जो एबिलिटी है वो खो देते हैं, दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। ठीक है, ये सारे टिश्यूज डिवाइड करने का एबिलिटी खो देते हैं। ठीक है, दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। ठीक है, दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि परमानेंट टिश्यू में सेल डिविजन नहीं होता है, परमानेंट टिश्यू में क्या नहीं होता है, सेल डिविजन नहीं होता है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उनमें क्या होता है, रहता है सेल डिविजन होता रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि परमानेंट टिश्यू में सेल डिविजन होता है या नहीं होता है, मेरिस्टेम में होता है या नहीं होता है, तो आपको याद रखना है कि परमानेंट टिश्यू जो आगे जाके परमानेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेम ये कहां से बने, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम जो ऑलरेडी परमानेंट हो चुके हैं उनसे सेकेंडरी मेरिस्टेम कन्वर्ट होके फिर से मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी एक्वायर करता है। ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टेम कहां से आए, जो ऑलरेडी टिश्यूज परमानेंट हो चुके हैं। ठीक है, ये परमानेंट टिश्यूज हैं। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं आपका परमानेंट टिश्यूज। एंड जो टिश्यूज परमानेंट हो जाते हैं उनमें से कुछ टिश्यूज कुछ सेल्स देन आगे जाके अगर जब जरूरत पड़े तब क्या करते हैं, फिर से वो अपना डिवाइडिंग कैरेक्टर जो उस कहा था ना, तो ये क्या करेंगे, जब जरूरत पड़ेगा तब फिर से वो डिवाइड करने का एबिलिटी एक्वायर कर लेंगे और उनको कहा जाएगा कि सेकेंडरी मेरिस्टम, और देन वो फिर से डिवाइड होकर नए सेल बनेंगे, फिर से वो सारे डिफरेंशिएशन होके उनमें वो सारे क्या बनेंगे, परमानेंट टिश्यूज बनेंगे। ठीक है,